एवरेज पावर इन एलसीआर सर्किट। तो अगर आपको एलसीआर याद हो तो हमने क्लास में क्या किया था, ये था मेरे पास वीआर, ये था मेरे पास वीएल, ये था मेरे पास वीसी, तो ये क्या है वीएल माइनस वीसी। तो इसका जो नेट ईएमएफ आता है यहाँ पे आता था और ये करंट है, तो नेट ईएमएफ और इसके बीच में एंगल कितना है फाइव। तो ईएमएफ आगे है, करंट पीछे है, मैन एंगल ऑफ फाइव। तो इक्वेशन में क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे अगर ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हमने इक्वेशन बनानी सीखी भी थी। डी डब्ल्यू बाई डी टी ई इन टू आई, ई की जगह ये वैल्यू, आई की जगह ये पूरी वैल्यू, तो आपके पास ये टर्म आ गई, डी टी राइट साइड पे आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। मैथ्स में साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो यानी कि साइन ओमेगा टी कॉस फाइ कॉस ओमेगा टी साइन फाइ, ये टर्म आ गई। साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई करेंगे इसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से कैपिटल टी, इंटीग्रेशन में कॉस फाइ साइन फाइ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं आगे स्टेप्स, क्योंकि इसका सीधा आंसर मैंने याद करवाया था टी बाई टू, और ये अभी करके दिखाया टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड आंसर स्ट्रेट वे क्या आता है। तो स्ट्रेट वे ये कुछ नहीं करना, आपके पास सीधा आंसर ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव बाई टू बचता है। टू का मतलब रूट टू रूट टू, और ई नॉट बाई रूट टू ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू आई आर एम एस, तो एवरेज पावर क्या बनेगी ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। क्या स्टेप क्लियर है, तो इंटीग्रेशन के स्टेप की दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो ये भी कर सकते हो, इस स्टेप के बाद सीधा लिख दो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट दिस टर्म, सीधा डन। क्लियर है यहाँ तक?